दूसरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत। दूसरों को कर्ज लेने पर तनकीद का निशाना बनाने वाली हुकूमत ने खुद अपने सूबे को कर्जों के बोझ तले दबा दिया। पावर और एनर्जी के महकमे के जारी मंसूबों के 86 अरब से ज्यादा का कर्ज लिया गया, जिससे सूबे पर मजमुई कर्ज 356 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। सूबाई हुकूमत ने पेहोर हाई लेवल कनाल के तौसीई मंसूबे के लिए 2 मदों में 44 अरब 24 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया, जबकि छोटे पन बिजली घरों, बुनियादी मराकज़ सेहत, स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए और बालाकोट के मुकाम पर 300 मेगावाट का हाइडल पावर स्टेशन की तामीर के लिए भी 42 अरब रुपए से ज़ायद का कर्ज लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के शुरू में सूबे पर 123 अरब 81 करोड़ रुपए का कर्ज था, जबकि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत के जाते ही ये कर्ज 356 अरब रुपए से तजावुज कर जाएगा। मस्कूरा कर्जों के लिए हर साल बजट में 22 अरब से ज़ायद सूद की मद में अदायगी की जाती है।